ये चेक करो अरशद भाई को जी, क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है माशाल्लाह। कबूतर की वापसी ऐसी है माशाल्लाह कि कहीं भी ये पर नहीं टेकेगा कबूतर उड़ने के बाद में। अच्छा, अगर तुम अपने घर से उड़ा दोगे ईंट पे बिठा कर तो ईंट पे ही गिरेगा ये कबूतर। अच्छा, ये बात तो है, ये उसी का ही पट्टा है, उसी की पट्टियां हैं, एक साल का पट्टा है। अच्छा, एक साल का हो गया जी, क्या बात है। मैं ये तो ना कहूंगा कि किसी के पास में नहीं है जी, मगर किसी से हाँ कम भी नहीं है। क्या बात है, ये वो पुराना कबूतर है इनका जिसकी सारी ब्रेड लाइन है। हाँ, सारी इसी की है, ये जो छल्ले पैनिया है इसी की सब ब्रेड लाइन है, ये सब इसी के पट्टे पट्टियां हैं। ये देखें आप लोग, लाजवाब। सो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अरशद इदरीसी पिजन लवर पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हमको देख रहे हैं, सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगा और सभी को अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ये जो शो करवा रहा हूँ मैं, ये शो को बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया कबूतर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जिस एरिया में, जिस जगह पे हम लोग शो करा रहे हैं, ये जिला मुरादाबाद के एक छोटा सा गांव लगता है, जो कि कौन सा गांव है, हमीरपुर, गोदी हमीरपुर, गोदी हमीरपुर, गोदी हमीरपुर से मैं आपको शो करवा रहा हूँ जनाब अपना अकील। जनाब अकील भाई के घर से। और माशाल्लाह इन पे ब्रीड लाइन, अच्छी ब्रीड लाइन है, अच्छे ही कबूतर हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ अकील भाई कि जो छोटे छोटे गांव में अपने कबूतरबाज हैं, नए नए लड़के जो शौकीन हैं, या जैसे आप जैसे जो भाई शौकीन हैं, उनका शौक दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। पुरानी जो नस्लें हैं आप लोगों पे, तो आप कितने टाइम से कबूतर का शौक रख रहे हैं? ये लगभग मुझे ऐसे मान लो 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो, यानी कि बचपन से करा है। बचपन से, बहुत छोटे साल से मैंने कबूतरबाजी करी है। जी जी जी, कभी तब से कि मैं 15 रुपए का 20 रुपए का कबूतर लाया करता था। उस टाइम मिलता था, टाइम पे मिला करता था। आपने खरीदा है 15? मैंने खुद खरीदा, 5 रुपए का भी, 10 में भी 15 में भी। अच्छा अच्छा, और अब तो मेरे पास में है कल्द में कबूतर है जी, बहुत शानदार वाले कल्द में, जिसे कहते हैं कल्द में। अच्छा, चम्मली भी है, चम्मली भी है, उसमें इलाहाबादी साइजदार भी मैंने देखे हैं। हाँ हाँ, बहुत शानदार है। उसके अलावा कौन सी ब्रीड आपने रखी? और कल्द में भी है और कल्चरे भी है अपने पास में, बहुत शानदार वाले कल्चरे अपने घर के बनाए हुए मेरे। जी जी जी, बहुत अच्छे उड़ते हैं, जिसमें कि मैं बाजी उजी तो उड़ाता नहीं हूँ, लेकिन उड़ाता बराबर हूँ कबूतर। उड़ाते बराबर है, शौक मेरा उड़ाने का है कबूतरों का जी। तो बाज वैरी भी खाता है, अभी मेरे पिछले हफ्ते में भी 2 कबूतर लेके गया, बाज ले गया 2 कबूतर, बहुत कबूतर मारता है। एक मेरे कल भी पट्टी थी घर की मदीन, वो भी मारी। अच्छा, वो भी ले गया, कबूतर बहुत शानदार उड़ती है जी। हाँ, पूरा दोस्तों खिंचाव बराबर रखते हैं कबूतरों का अकील भाई। खिंचाव बराबर, अकील नाम है आपका? अकील, अकील, अकील भाई। इस पार्ट के अंदर मैं आपको कल्द में दिखा देता हूँ भाई लोगों को। हाँ, अगले पार्ट में कल्चरे दिखाएंगे, कल्द में माशाल्लाह एक नंबर कल्द में कबूतर है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मैंने देखी है, आप भी दिखाएंगे आपको मजा आ जाएगा। साइज अगर मैं बताऊँ तो ये है ना, सब कबूतरों का ये साइज है माशाल्लाह, अच्छे कबूतर है। और ये नस्लें अच्छी नस्लें होती हैं जो कि भाई ने, अकील भाई ने रखी। तो मैं चाहूंगा आप लोग पूरी वीडियो को देखें और दोस्तों अपना प्यार इस तरह अगर आप हम पे बनाए रखेंगे, हम आगे भी इस कस्बे के और भी शो करवाएंगे, और भी शो कराएंगे। जो लोग यहाँ पे और रहते हैं 5-6, उनको भी हम लोग जो है कवर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो फटाफट आप मुझे अपने कल्दुमे जोड़ों का शो करवाइए और व्यूअर्स को भी कल्दुमे का शो करने के लिए मिलेगा आज। अरशद भाई, अपने कल्दुमे कबूतर। अच्छा, जो कि मैंने कहा था मादीन मेरी बाज ने मार दी थी। जी जी, तो ये मैं उसकी पठिया इसके साथ में डालूंगा, डालेंगे। हाँ, लेकिन साइज बड़ा खतरनाक है यार, छोड़ के जी, ये देखिए साइज इनका। ना ना ना, अभी सिर्फ आप मादीन को छोड़, आप मादीन लगाएं एक बार हल्का सा, जिस तरह आप दिखा रहे थे इतनी। दोस्तों ये देखें आप लोग, तो आप ये कह रहे थे कि इस कबूतर की मादीन तो बाज ले गया। हाँ, बाज ले गया, अब इसी की पठिया लगाई है। अब ये इसकी पट्टी है, इसी की ब्रेड लाइन और भी है अपने पास। हाँ, और भी है अपने पास मेनी के। ये देखें दोस्तों आप लोग साइज देखें, इतना कद्दावर साइज जो कि कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा हमारे, क्या साइज है, फुल साइज। लाजवाब, मैं चाहूंगा शकील भाई आप मादीन को छोड़ दीजिए, नर का शो करवाइए। ये चेक करो अरशद भाई को जी, क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है माशाल्लाह। क्वालिटी, इसके पर देखो कितने बड़े पल्ले का कबूतर है ये। यार इसके पल्ले तो मुझे लग रहा है बाज की तरह है माशाल्लाह, कैमरे में से बाहर हो गए जो बात है। बड़े पल्ले का कबूतर है ये। जी 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 जी, ये इधर का पल्ला है, ये देखें आप, क्या बात है जी, बहुत शानदार। कैच कर रखा है वो मदीन, इसकी बाज ने मार दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार कबूतर के नीचे हाथ लगाए हल्का सा और दिखाएं पूरा साइज। दोस्तों ये आप लोग चेक करें और साइज चेक करेंगे, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे माशाल्लाह। इस तरह के कबूतर
बहुत कम मिलते हैं लोगों को, कम देखने मिलते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये हुई है कुछ बाज बैरियों ने शौक खत्म कर दिया है और कुछ लोगों ने बेच दिए, क्रॉस करा दिए, बाहर पहुंच गई है, लेकिन ब्रेड लाइन बहुत अच्छी है इसकी, जरा आंख का शौक कराएं भाई जी। असद भाई इसकी आंख जी, और ये बहुत शानदार आंख का कबूतर है, लाजवाब जी, बहुत लाजवाब है जी। वो इन कबूतरों की वापसी ऐसी है माशाल्लाह कि कहीं भी ये पर नहीं टेकेगा कबूतर उड़ने के बाद में। अच्छा, अगर तुम अपने घर से उड़ा दोगे ईंट पे बिठा कर तो ईंट पे ही गिरेगा ये कबूतर। अच्छा हाँ, इतनी पक्की नस्ल का कबूतर है, बहुत ही लाजवाब। ये देखो आप लोग, नजर इसकी चोंच, ये पलक नजर देखे आप लोग, कबूतर का कबूतर है जी, काली ही चोंच है जी कबूतर की जी। और ये इसका साइज देखिए, इसके में तो पंजों का शौक कराता हूँ, काले ही नाखून है इसके, बहुत शानदार और मजा आ गया, काले नाखून है, क्या बात है। छोड़ दिए कबूतर को, छोड़ दो, मदिन दिखाओ इसकी। ये है अरशद भाई इसकी मादा जी, ये मैं दूसरी मादा लगा रही हूँ इसके साथ में। अच्छा, ये देखो मादा का क्या बात है, शानदार मादा है ये, बहुत बढ़िया क्वालिटी है माशाल्लाह, इसका नजर का शौक कराता हूँ, नजर को शौक कर। ये देखे दोस्तों आप लोग, ये इसकी उड़ान वगैरह अपने पास क्या रही है, जैसे कि इसकी 6 घंटे 7 घंटे की उड़ान है अपने पास में। अच्छा हाँ, बच्चों की भी, इसकी भी, इसकी भी, हाँ क्या बात है यार, शानदार मदीन है ये, इसके बच्चे भी आपने कराए होंगे। हाँ, उसका कबूतर से दूसरे नर से है, इस वाले नर से नहीं है। अच्छा, इस ये मैं इसके साथ में डालूंगा, ये नहीं, इस मादा से नहीं है, उस नर से बच्चे हैं। हाँ, उस नर से बच्चे हैं जी जी जी। और बच्चे का साइज भी माशाल्लाह अच्छा है, देखें आप लोग, बड़ा साइज है, आप चेक करें जी, ये देखें आप लोग इसकी कबूतरी की क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह लाजवाब क्वालिटी यार। और इसके दुम देखें आप लोग, बहुत बेहतरीन दुम की कबूतरी है, कबूतर है, क्या बात है जी। इसके पंजे दिखाएं, इसके नाखून है दोस्तों, ये कबूतर बहुत ही शानदार हुआ करते थे। और ये कबूतरी मोमिया चोंच के अंदर है और मोमिया इसके नाखून है, लेकिन बच्चे काले ही नोक पंजों में बिठाए गए, लेकिन अब तो मजबूरी में लगानी पड़ रही है मादा। हाँ, वो मादा, क्योंकि उसकी मादा बाज ले गया है, ये देखें आप लोग, मादा है एक दफा, क्या बात है जी, एक बार इसकी नजर देखें, ये बात तो है, ये उसी का ही पट्टा है, उसी की पटपटियां हैं, ये 1 साल का पट्टा है। अच्छा, 1 साल का हो गया जी, क्या बात है। ये तो ना कहूंगा कि किसी के पास में नहीं है जी, मगर किसी से हाँ कम भी नहीं है, क्या बात है माशाल्लाह। कबूतर फुल साइज में ये भी नहीं, ये इस कबूतरी का भी स्टैंडिंग बता रही है माशाल्लाह अच्छी है। और कबूतर दिखाएं जरा एक बार, ये देखें आप लोग, ये इसकी मादिन पट है और ये कबूतर है इसके अंदर, ये देखें आप लोग साइज, देखें कद्दावर साइज, जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत नयाब, बहुत बेहतरीन इनकी स्टैंडिंग है। जब आप बाद में इनकी स्टैंडिंग देखेंगे, अकेले भाई दिखाओगे ना स्टैंडिंग इंशाल्लाह। हाँ, ये देखें इसके परों का शो कराए पहले नर का, ये देखें दोस्तों ये नर के पर है, क्या बात है जी, काले बंदूक है, बहुत शानदार रहते हैं इनके, बहुत बढ़िया जी। हाँ, और दुम में दुम का शौक कराता हूँ इसकी, तुम्हें देखे दोस्तों। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि कबूतर हल्की दुम का है, लेकिन बच्चे सब बच्चे, ये उसी का पट्टा है, मैं इसकी दुम का शौक कराता हूँ तुम्हें जी जी, पकड़ता नहीं हूँ इसलिए ज्यादा हो रही, आराम से पकड़ लीजिएगा दोस्तों। ये देखें आप लोग, दुम देखें एकदम बेहतरीन सिया दुम है इसकी, लाजवाब जी, चढ़ हुई दुम है, बहुत बढ़िया। और इसके पंजे देखें आप लोग, ये पंजे हैं, नाखून है इसके, काले ही नाखून है सारे, ये देखें आप लोग नाखून देखें, पंजे देखें, क्या बेहतरीन इसके पंजे हैं दोस्तों, लाजवाब पंजे, क्या बात है। इसकी नजर के जो है आप लोग शौक करें, ये देखें आप लोग नजर देखें, तो ये पट्टा भी आपने, क्या साल का पट्टा है ये, अभी इसने पूंछ भी ना निकाल दी है जी। हाँ, ये और बड़ा होगा अभी, ये उड़ाया था आपने, क्या उड़ाया हुआ पट्टा है ये मेरा। अच्छा, दो तीन मरतबा उड़ाया था मैंने, लेकिन ये 2-2.5 घंटे बस, ज्यादा नहीं उड़ाया मैंने, बाज की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि जाया हो गई नस्ल तो बहुत थी अपने पास। मैंने सारे परदार कर दिए हैं अपने कबूतर जी, अब गर्मी लग जाएंगी, सारे उड़ा होगा, सारे उड़ा जाएंगे तो। हाँ जी, एक बार जरा मैं चाहूंगा यार, मैं चाहूंगा इसका जो है पूरा एक बार हाथ ला के सीने पे दिखा दीजिए यार, क्योंकि कबूतर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपका यार। ये देखे दोस्तों आप लोग, क्या बात है, कबूतर पूरे हाथ में भी नहीं आता है, इतना बड़ा साइज है इनको, क्या बात है जी, बहुत शानदार। चलिए इसकी पटिया दिखाएं, तो छोड़ दें, ये देखें दोस्तों मैं आपको साइज दिखाऊंगा बाद में कबूतरों का जी। बोलो, ये इसकी पटिया है, ये इसकी पटिया है। हाँ, ये थोड़ी छोटी बन गई थी, चुग्गे में दब गई थी जी जी जी। हाँ, लेकिन बच्चे ये भी वही साइज के बनाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, फूल जो है ये, इसके फूल एक भी नहीं रहेगा, फूल एक भी रहेगा, सारे साफ हो जाएंगे, सारे सफा कर लेगी, बहुत शानदार पटिया। ये देखें आप लोग, इसके पर दिखाएं हल्के से जरा, वहीं से खोल के दोस्तों, ये देखें आप लोग पर, देखें काले कुंदों की, ये भी हाँ काले कुंदों की है ये जी, काली दुम, काली पूंछ, दुम की ये भी चढ़ा, ये देखें आप लोग बहुत शानदार। इसकी नजर का जरा शौक कराए, ये देखें आप लोग, ये नए पट्टे पटिया हैं। हाँ, नए पटिया जी, ये देखें आप लोग, ये भी उड़ाई थी क्या। हाँ, ये देखें दोस्तों आप लोग, इसकी जो नजर है, नजर चेक करें, माशाल्लाह एक नंबर की नजर, और सफा कल्ले की नजर, और
अभी तो नई पठिया है। हाँ नई पठिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चलेगा ऐसी ऐसी मतलब ये जो है साफ होते रहेंगे, होती चली जाएगी। क्या बात है जी, बहुत शानदार। ये देखें आप लोग पूरी स्टैंडिंग इसकी, इसके पंजे दिखाएं, बड़े नाखूनों में है ये, इसके पंजे देखें दोस्तों, क्या बात है, काले नाखूनों में बड़े, बहुत बढ़िया जी, लाजवाब। चलिए छोड़ दीजिए जी। अखिल भाई ये वो अरशद भाई जो मेरी मदीन उड़ गई थी, जो आपने सुबह वाला कबूतर दिखाया था, जो दिखाया था बड़ा कबूतर जी, दिखाएं ऊपर, दिखाएं कबूतर। अब बोलिए आप आराम से, ये वो उसी ही मदीन के पट्टी पट्टा है, उसी मदीन के पट्टी पट्टा है ये पट्टा है मेरे पास में जी, और ये पट्टी है, ये पट्टी है। हाँ उसी नर के है जो मदीन मेरी भाज गई थी, भाज गई थी, खाली थी। क्या बात है जी, बहुत शानदार पट्टे हैं यार, लाजवाब। तीन तीन काली पट्टे हैं जी। हाँ दोस्तों ये देखें आप लोग, नजर देखें इनकी, नजर और भी साफ होगी माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सफा कर लेगी जी, और बहुत बड़े साइज, नजर और सफा कर लेंगे अपनी जी। अभी ये लगभग 4 महीने के पट्टी पट्टा है। अच्छा 3-4 महीने के जी। हाँ और ये इसकी नजर का शोक करिए, लाजवाब आंखें हैं जी, बहुत शानदार। और ये इसकी चोंच भी बिल्कुल काली ही सिया चोंच कर लेगा। इसकी जरा नीचे हाथ लगाएं हल्का सा, ये देखें दोस्तों ये नर पट्टा है। हाँ ये इसकी स्टैंडिंग खड़ान चेक करें, ये देखें आप लोग क्या लाजवाब है जी। इसके पर दिखाएं हल्के से, जरा शानदार पर दिखाएं हल्के से, ये देखें काले कुंदों में आ रहा है। हाँ ये काले ही कुंदे में रहेगा, दो दो तीन तीन कली जी काले कुंदे रहेंगे जी। इसके बाजू देखिए कितने बड़े बाजू, और लाजवाब बाजू है इसके, क्या बात है जी। उल्टे पंजे शानदार जी। ये अरशद भाई इनके नाखून है, बहुत बढ़िया नाखून है इनके, लाजवाब। और जब मैं इनको छोड़ूंगा जी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इनका खड़ापन, खड़ापन। हाँ कि किसको कहते हैं कलदुमा कबूतर, कलदुमा कबूतर। हाँ। क्या बात है जी, बहुत नया। चलिए इसकी मदीन दिखाएं पटिया, ये जो आपके हाथ में, छोड़ूं इसको? हाँ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, स्टैंडिंग सबकी बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग कहाँ तक दिखा पाएंगे हम लोग यार। ये वो पटिया है, ये उसी की पटी है जो अभी छोड़ी है ये अभी, क्या बात है। ये देखे दोस्तों आप लोग, बहुत ही शानदार पटिया है माशाल्लाह, लाजवाब। इसकी तरह आँख दिखाएं दोस्तों, ये देखें आप लोग आँख का शो करें। बच्चे तो नहीं उड़ाए होंगे आपने अभी, यह चेक करें, ये बच्चे अभी नहीं उड़ाए मैंने। अच्छा अभी ये वाले नहीं उड़ाए, और उड़ाए हैं इनके, दूसरे उड़ाए थे। हाँ वो यार दोस्ती में चले गए, चले गए। हाँ क्या बात है जी, माशाल्लाह नजर भी देखें आप लोग, एक नंबर नजर है। हाँ बहुत बढ़िया, इसकी दुम दिखाएं, हल्की सी दुम दिखाएं, चढ़ो भी ही दुम के बच्चे रहेंगे, और गहरी कर लेंगे। हाँ और ये है तक, जहाँ तक है ये लंगोट, यहाँ तक गहरा ही गहरी, जैसे वो बड़े इससे पहले पट्टा दिखाया था मैंने जी, ऐसी ही दुम के रहेंगे। ये देखें आप लोग नाखून, देखो काले नाखून, बढ़िया पंजे, लाजवाब, बहुत शानदार नया पूरा स्टैंडिंग दिखाएं ऐसे हाथ में लेके। दोस्तों ये देखें आप लोग, चेक करें मदीन कितने जोर मार रही है माशाल्लाह। और अरशद भाई अपने पास में इन्हें ये 7-8 कबूतर, एक पट्टी हो जाएगी इनकी जी। कबूतर तो माशाल्लाह मैंने सुना था आपके पास बहुत सारे थे, लेकिन जाया हो गए। हाँ कुछ मेरे बाज ने जाया कर दिए कबूतर, लेकिन नस्ल अभी भी आपके पास जिंदा है, अभी दोबारा बना लेंगे मेरे पास में। मैं इंशाल्लाह अगले साल को तुम्हें वीडियो बनवाता हूँ। क्या बात है, फिर आएंगे इंशाल्लाह अगले साल। चलिए आप एक पट्टी और दिखाइए, जो आपके पास पट्टी है। मैं एक पट्टी और दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई साहब, ये अरशद भाई एक पट्टी हो रहा है उसी जोड़े की जी। हाँ इसका शौक करिए, क्या बात है यार। यार अखिल भाई आपके कबूतर देख के हाँ। मेरा दिल खुश हो गया, और मैं स्टैंडिंग देख रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों, लाजवाब स्टैंडिंग है यार कबूतरों की। ये देखें आप लोग, बहुत शानदार पट्टी बनी है अभी, क्या बात है। ये देखें आप लोग, नज़र देखें इसकी, क्या बात है जी, नज़र देखें आप। नई कबूतरी है अभी, कुरेज न करा है पूरा। नहीं इन कबूतरों की जो आपकी आँखें हैं ना, हाँ ये हल्की सी जो कलर, ये जो है आंखों का जो गेरुआ कलर है, गेरुआ ये कलर बहुत अच्छा उड़ता है आंख के अंदर, है ना। ये अगर जैसे कि मैं इन्हें उड़ाता हूँ कबूतरों को अपने जी, तो इनकी आंखें सुरक्षित हो जाती हैं। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, जो लालपन जो है इस पे डोज डोज हो रहे हैं। और ये अगर मैं 15 दिन जैसे इन्हें रोक लूँ कबूतरों को छत पे जी, नहीं उड़ाऊँ जी, तो ये खुद ही सफेद आँख नजर कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, लाजवाब, मजा आ गया कबूतरों का शो करके माशाल्लाह। और बाकी इसकी ये देखें आप लोग, ये इसके पर हैं थोड़ी, ये दुम उतरा हुई है इसकी, लेकिन ये ऐसे ही दुम चढ़ा लेगी, चढ़ा लेगी माशाल्लाह। हाँ। क्या बात है, दुम थोड़ी ढीली हो गई थी इसकी जी, ये काले काली रहेंगी इसकी भी, दो दो तीन तीन काली काली जी जी जी, मादा ही। और ये इसके देखें, इसके नाखून बहुत शानदार, लाजवाब। तो मैं चाहूंगा आपसे, मेरी गुजारिश है यार अखिल भाई, कि इनकी स्टैंडिंग जरा चेक करवाएगा। दोस्तों ये देखें आप लोग, इनकी स्टैंडिंग चेक करें माशाल्लाह, क्या जबरदस्त स्टैंडिंग है। देखें आप लोग पट्टों की स्टैंडिंग देखें, ऐसा लगता है कि जिस तरह सहारनपुरी है अखिल भाई। हाँ सहारनपुरी, ये वो पुराना कबूतर है इनका, जिसकी सारी ब्रेड लाइन है। हाँ सारी इसी की है, ये जो छल्ले पैनियाँ हैं इसी की सब ब्रेड लाइन है, ये सब इसी के पट्टे पट्टियाँ हैं। ये देखें आप लोग,
लाजवाब बहुत शानदार। कहते हैं आखिर भाई कम कबूतर हैं लेकिन जबरदस्त क्वालिटी है ना। हाँ कम कबूतर है लेकिन यह है क्या इनसे नस्ल अब दोबारा बन सकती है? पहले आपके पास बहुत थी नस्ल? हाँ कई सारे कबूतर थे पहले, 15-20 कबूतर थे। जी 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 जी। कुछ फेरे ना पकड़ लिए, कुछ मिल्लतदारी में यारी दोस्ती में चले गए बट गए। सबसे ज्यादा ये उड़ानों में जाया हुए कबूतर, उड़ानों में जाया हो गए। ये देखे दोस्तों आप लोग चेक करें, माशाल्लाह क्या बात है जी, लाजवाब। ये देखे दोस्तों आप लोग क्या बात है जी, बहुत ही नयाब बहुत शानदार। 4-5 या 7 कबूतर होंगे माशाल्लाह, लेकिन जबरदस्त और मजा आ गया दोस्तों शौक करके। तो चलिए इस तरह के शौक में आपको कराता रहता हूँ हमेशा, और आपको वीडियो पसंद आई हो अखिल भाई की तो अखिल भाई का कहना है वीडियो को शेयर करें। अखिल भाई हाँ लाइक और शेयर करें, लाइक शेयर करें दोस्तों। ये देखें आप लोग, चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।